वेलकम टू स्टेनो लर्निंग। आज लेसन वन में इंट्रोडक्शन टू स्टेनोग्राफी में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक्स ऑफ शॉर्ट हैंड और इन शॉर्ट हैंड। ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक्स, आवर फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज द नोटबुक एंड रेफरेंस पेपर शुड बी प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। जो हमारा नोटबुक है और रेफरेंस पेपर है, उन दोनों को हमें एक दूसरे के पास रखना चाहिए। ओमिशन ऑफ वर्ड्स मेड फ्रॉम डॉट्स एंड डैशेस इन शॉर्ट हैंड इज ऑफन द कॉज ऑफ मेनी फेलियर्स इन एग्जामिनेशन। ओमिशन ऑफ वर्ड्स, जो डॉट और डैशेस से शॉर्ट हैंड में ओमिशन होता है वर्ड्स का, वो अक्सर एग्जाम में फेलियर का कारण होता है। So you have to practice of that. Second point is the note should not be read too fast. जो भी आपके notes हैं उनको आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। It is advisable to read the whole dictated page before transcription. ये आपके लिए एक advice है कि dictation के बाद रीड दी होल डिक्टेटेड पेज। जो भी आपको पूरा डिक्टेटेड पेज आपको दिया गया है, जो डिक्टेशन दी गई है, उसको एक बार ही आप ट्रांसक्रिप्शन से पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आप उसको ट्रांसक्रिप्ट करें। थर्ड, वंस दी ट्रांसक्रिप्शन इज ओवर, इन ऑर्डर टू एंश्योर एक्यूरेसी दी होल ट्रांसक्रिप्शन शुड बी रीड बैक। जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाए, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी के साथ वो ख़त्म हो जाए, तो आपको एक बारी फिर से पूरी ट्रांसक्रिप्शन को वापस से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। फोर्थ इज द ट्रांसक्रिप्ट शुड बी रीड बैक फॉर एक्यूरेसी बिफोर इट इज़ रिमूव फ्रॉम द मशीन। ट्रांसक्रिप्ट को आपको वापस से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए इससे पहले कि आप पेपर रिमूव करें अपने कंप्यूटर या टाइपराइटर से। अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको एक बारी अच्छे से अपनी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेनी चाहिए। इन दिस वे एरर्स कैन बी करेक्टेड विदाउट द नेसेसिटी ऑफ री इंसर्टिंग द पेपर्स इनटू द टाइपराइटर और कंप्यूटर। इससे क्या है, आपके एरर्स जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे बिना पेपर वापस से इंसर्ट करे कंप्यूटर या टाइपराइटर में। आप एक बारी उसको अच्छे से देख लेंगे प्रिंट आउट लेने से पहले, सो आपका ये बर्डन, जो एक्स्ट्रा बर्डन है काम का, उससे आप बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ इज टू अवॉइड रिपीटेशन द होल पेज शुड बी क्रॉस थ्रू वंस द ट्रांसक्रिप्शन इज ओवर। रिपीटेशन ऑफ डिक्टेशन से बचने के लिए, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो जिस डिक्टेशन की आप ट्रांसक्रिप्ट कर चुके हैं उस पेज को आपको क्रॉस कर देना चाहिए जब आपका ट्रांसक्रिप्शन ओवर हो जाए। ठीक है, आपने जिस पेज पे डिक्टेशन लिया उसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, देन आप उस पेज को क्रॉस कर दीजिए। इससे आपको ध्यान में रहेगा कि आपने इसका ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है और उससे आप उस डिक्टेशन का रिपीटेशन से आप बच जाएंगे। आपको पता रहेगा कि ये मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। ठीक है, सो अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द डिक्टेशन। सिक्स पॉइंट इज, अनलेस यू हैव ए गुड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्क यू आर कॉल्ड अपॉन टू डू डेली, you will not be in a position to follow the sense of the dictation to take it down efficiently. जब तक आपके पास good information नहीं होगी आपके काम से related, तब तक आप उसको daily आप नहीं कर पाएंगे उस काम को। So आपको क्या करना है, और आप उस position में भी नहीं होंगे कि आप अच्छे से dictation ले सकें efficiently, आप डिक्टेशन ले सकें। सो यू शुड देयरफोर डू स्पेयर टाइम रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू योर वर्क एंड शुड मेक अ लिस्ट ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड फ्रेजेस विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन डिक्टेशन इन योर ऑफिस एंड
for which you should prepare brief outlines, phraseogram and intersections. So, आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्पेयर आपको खाली टाइम मिलता है वहाँ पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने काम से रिलेटेड आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और एक स्पेशल टर्म्स और फ्रेजेस जो बार बार आपके ऑफिस में आपके ऑफिस के डिक्टेशन में यूज़ होते हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर देनी है एक एक आउटलाइंस फ्रेजोग्राम और इंटरसेक्शन के साथ. फ्रेजोग्राम एंड इंटरसेक्शन आर दी टू मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन अवर शॉर्ट हैंड विच वी विल डू इन अवर कमिंग क्लासेस फर्दर क्लासेस. देन आफ्टर दैट यू कम टू नो अबाउट बोथ दी टॉपिक्स व्हाट आर दे फ्रेजोग्राम एंड इंटरसेक्शन एंड यू ऑल्सो कम टू नो द यूज ऑफ बोथ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. This will increase your speed of writing in shorthand. इससे क्या होगा जब आप एक एक टेबल बना लेंगे एक स्पेशल टर्म्स की जो एक और जो आपके ऑफिस में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं डिक्टेशन में आपके यूज़ होते हैं इससे आपकी राइटिंग की स्पीड भी बढ़ेगी शॉर्टहैंड में और आपको कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं आएगी वाइल टेकिंग द डिक्टेशन इन योर ऑफिस. Seventh point is use shorthand notebook should be stored for future reference as the need may arise sometime to refer back to them. आपकी जो भी शॉर्टहैंड की नोटबुक्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप हमें अच्छे से संभाल के रखिए ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम आ सके आपको कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है तो इसलिए आपको कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपकी नोटबुक्स की आपकी टेक्स्ट बुक की. सो कीप इट विथ यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड कहीं पर भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगे सो आप वहाँ से देख के अपना कन्फ्यूज़न आपका क्वेरी आपका डाउट आप वहाँ से क्लियर कर सकें. द नोटबुक्स मे बी स्टोर इन ऑर्डर टू डेट मंथ्स ऑफ यूज़. आप आपके जो भी नोटबुक्स हैं आप उनको स्टोर कर सकते हैं आपके डेट और मंथ के साथ कि आपने किस डेट और मंथ्स में उसको यूज़ किया है. सो इट इज़ ऑल्सो ईजी फॉर यू टू फाइंड आउट योर ओल्ड नोटबुक्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस इफ़ यू मेंशन दी मंथ्स एंड डेज ऑन योर नोटबुक्स. आवर लास्ट टेक्निक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज़ अवर लास्ट पॉइंट इज़ व्हेन यू आर ट्रांसक्रिप्टिंग शॉर्ट हैंड नोट्स फ्रॉम द डिक्टेटिंग मशीन यू शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद द ऑपरेटिंग मेथड्स. जब आप शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं एक डिक्टेशन मशीन के थ्रू तो आपको आपका कन्वर्सेंट अच्छा होना चाहिए और आप ऑपरेटिंग मेथड से भी अवेयर होने चाहिए तभी आप किसी आप ट्रांसक्रिप्ट कर पाएंगे किसी भी डिक्टेशन को किसी भी पैसेज को. क्लियर. ऑल दीज एट पॉइंट्स आर दी ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक्स विच आई एक्सप्लेन टू यू. सो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू इन दिस क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आज की क्लास थी हमारी ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक्स की. मैंने जितने भी आपको 8 पॉइंट समझाए हैं आप उसको फॉलो करिए. एक अच्छा स्टेनोग्राफर बनने के लिए ये मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप इनको फॉलो करेंगे. सो आई होप एंड आई नो कि आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बनेंगे. ओके एंड लास्टली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टेनो लर्निंग. एंड आपको कुछ भी क्वेरी हो रिलेटेड टू शॉर्ट हैंड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आई ट्राई टू गिव योर क्वेरीज योर क्वेश्चन आंसर एज सून एज आई कैन.